प्यारे साथियों, आप जब भी अपने आसपास देखते हैं तो आप बहुत तरह के पेड़ और पौधे देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पेड़ पौधे पुष्पित पादपों या आवृतबीजी पादपों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें हम और भी वर्गीकृत करते हैं। इन्हें हम एकबीजपत्री या द्विबीजपत्री पादपों में वर्गीकृत करते हैं। आइए जानें इस वर्गीकरण का आधार क्या है और किस प्रकार इनकी बाह्य आकृति के आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दिया गया पौधा एकबीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। इसके लिए जिस सामग्री की हमें आवश्यकता है वो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। हमें चाहिए पहले से भीगे हुए कुछ एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें राजमा, चना, सफेद चना, मटर, ये द्विबीजपत्री पौधों के बीज हैं। इसके अतिरिक्त हमने गेहूं और मक्का भी लिया है, जो एकबीजपत्री पौधों का बीज है। बीज पत्रों की संख्या इनमें वर्गीकरण का मुख्य आधार होती है। बीज का आवरण हटाकर जब हम बीज को दो भागों में विभक्त करेंगे तो द्विबीजपत्री पौधों में हम इस प्रकार, जैसा कि आप देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री पौधे के बीज में बीज पत्रों की संख्या दो है। ये स्पष्ट रूप से यहां आपको दिख रहा है। और यदि हम एक बीजपत्री पौधे में देखेंगे तो उसके बीज में बीज पत्र की संख्या सिर्फ एक दिखाई देगी। यही इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार है। बीज पत्र की संख्या देखने के लिए हम द्विबीजपत्री चने का एक बीज लेकर उसे दो भागों में विभक्त करते हैं और जब हम उसे खोलेंगे तो हम बहुत स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि इसमें बीज पत्र की संख्या दो है। इसी प्रकार मक्का, जो कि एक बीजपत्री पौधा है, उसका बीज लेकर हम काटेंगे और काटने के पश्चात हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर कितने बीजपत्र हैं। यहाँ भी आप स्पष्ट रूप से एक बीजपत्र देख सकते हैं। लेकिन क्या बीजपत्रों की संख्या ही इनमें अंतर करने का एक आधार है? नहीं, हम अन्य अंगों के आकारिकीय भिन्नताओं को देख करके भी बता सकते हैं कि दिया गया पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। इसके लिए हम इन पौधों का तुलनात्मक अध्ययन प्रत्येक अंग के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं ये एक बीजपत्री पौधे ले रही हूँ जिनके जड़ तंत्र का हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी जड़ प्रधान जड़ नहीं है। एक सी मोटाई और लंबाई वाली बहुत सारी जड़ें एक ही स्थान से एक साथ निकलती हैं। इसी तरह आप दूसरे एक बीजपत्री पौधे में भी इसकी जड़ देख सकते हैं। इसमें भी आप कोई प्रधान जड़ नहीं देख पाएंगे। एक सी लंबाई और मोटाई की बहुत सारी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी। लेकिन इसके विपरीत यदि हम द्विबीजपत्री पौधे में जड़ तंत्र को देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें प्रधान जड़ होती है। ये मोटी जड़ें प्रधान जड़ें हैं और इनसे छोटी छोटी पार्श्विक मूलिकाएं निकलती हुई हैं। जड़ तंत्र में ये एक मुख्य अंतर है जिसके आधार पर बताया जा सकता है कि पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। इसके अतिरिक्त हम तने के अध्ययन से भी ये बता सकते हैं कि पौधे की प्रकृति क्या है, उसको किस तरह वर्गीकृत करें। एक बीजपत्री पौधे में तना शाखाओं में विभाजित नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तने में कोई भी शाखा नहीं है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधे में तना शाखाओं में विभाजित होता है। इसे और स्पष्ट रूप से देखें, ये तना और ये शाखाओं में विभाजित है। और सामान्यतया द्विबीजपत्री पौधों में तने की इस चौड़ाई में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है। इसके बाद हम एक और अंतर पे आते हैं, जो है पत्तियों का अंतर। आप देख सकते हैं कि एक बीजपत्री पौधे की पत्तियां, इनमें समांतर शिराविन्यास होता है। ये शिराविन्यास समांतर शिराविन्यास है। और वहीं यदि हम द्विबीजपत्री पौधे से इसकी तुलना करें तो ये समांतर न होकर जालीदार या शाखित शिराविन्यास कहलाता है।
इसे और स्पष्टता से आप पीपल की इस पत्ती में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये शिराविन्यास शाखित या जालीदार शिराविन्यास है। इसके अतिरिक्त पत्तियों का आकार भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हम ये आसानी से देख सकते हैं कि एक बीजपत्री पौधे की पत्तियां लंबी और कम चौड़ी होती हैं, जबकि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां अपेक्षाकृत छोटी और ज्यादा चौड़ी होती हैं। तीसरा अंतर पत्तियों में, एक बीजपत्री पौधे में पत्तियां अवृंत होती हैं। अवृंत का अर्थ है कि ये तने से सीधे ही जुड़ी होती हैं, इनमें कोई भी डंठल नहीं होता है। लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में पत्तियां हमेशा डंठल के साथ होती हैं। स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं कि ये डंठल किस प्रकार से तने से पत्तियों को जोड़ता है। तो ये तीन बिंदु हैं जिनके आधार पर पत्तियों में हम भेद कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि पौधा एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। हम देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री पौधे में पत्तियां डंठल की सहायता से तने से जुड़ी हुई हैं। इन सभी पत्तियों को देखकर ये चीज़ बहुत आसानी से स्पष्ट हो सकती है। लेकिन यदि हम एक बीजपत्री पौधे में देखें तो हम पाएंगे कि पत्तियों में डंठल नहीं है, पत्तियां तने से जुड़ी हुई हैं और ये अवृंत कहलाती हैं। अब हम पुष्प और पुष्पीय भागों की संरचना देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके आधार पर इन दोनों वर्गों में हम किस प्रकार विभेद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एक बीजपत्री पौधे को लेते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर एक बीजपत्री पौधों में पुष्प सहज गोचर नहीं होते हैं, आसानी से दिखते नहीं हैं और उनके रंग आकर्षक भी नहीं होते। लेकिन लिलियेसी फैमिली के सदस्य इसके अपवाद हैं और इसलिए आज हम लिलियेसी फैमिली का एक फूल आपको दिखा रहे हैं और उसके सहायता से ये अंतर स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बाह्य दल है वो आसानी से दिख नहीं रहा है। बाह्य दल और दलपुंज ये अभेद्य हैं, इन दोनों का अंतर बताना बहुत कठिन है। लेकिन दलपुंजों की संख्या 3 के गुणक में होती है। यहाँ आप गिन के भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाह्य दल और दलपुंज अभेद्य हैं और दलपुंजों की संख्या 3 के गुणक में है। इसी प्रकार यदि हम द्विबीजपत्री पौधे को देखें तो हम देखेंगे कि पुष्पों के रंग बहुत आकर्षक होते हैं, बाह्य दल और दलपुंज में आसानी से विभेद किया जा सकता है और दलपुंजों की संख्या 5 के गुणक में होती है। 1, 2, 3, 4, 5 5 या 4 के गुणक में। तो इस प्रकार पुष्पीय आकृति के आधार पर भी हम इन दोनों वर्गों में आसानी से भेद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल सभी कक्षाएं समेकित कक्षाएं होती हैं। यदि हमारी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित या श्रवण बाधित बच्चा है तो उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं का ख्याल हम किस तरह रखेंगे और ये पाठ्य सामग्री किस प्रकार अनुकूलित करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। हमने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एक सावधानी बरतनी है कि जब भी हम इस तरह की कोई भी अध्ययन सामग्री लेंगे तो वो सामग्री हम बड़े आकार की चुनेंगे ताकि स्पर्श के माध्यम से वो बच्चा उसमें आसानी से विभेद कर सके और विभिन्न अंगों के अंतर को समझ सके। जैसे आप देख सकते होंगे कि ये पत्ती और इसका शिरा विन्यास बहुत स्पष्ट है। यदि हम आँख बंद करके भी इसे समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये शिरा विन्यास जा रहा है। दृष्टिबाधित बच्चों को यही संप्रत्यय हम स्पर्शी चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार की जड़ तंत्र दिखा रहे हैं। यहाँ आप मूसला जड़ और झकड़ा जड़ देख सकते हैं। इन जड़ों की बाउंड्रीज को हमने स्पर्शी बनाया है और एक दृष्टिबाधित बच्चा इन्हें छूकर आसानी से समझ सकता है कि ये किस प्रकार का जड़ तंत्र है। क्या इसमें एक प्रधान जड़ दिखाई देती है और उससे निकलती हुई पार्श्विक मूलिकाएं दिखाई देती हैं या ये सारी जड़ें तंतुमय हैं और समान मोटाई और लंबाई की जड़ें हैं। इसी प्रकार हम पत्तियों को देखेंगे। पत्तियों के शिराविन्यास के लिए भी इस तरह के स्पर्शीय चित्र बनाए जा सकते हैं जो बहुत आसानी से 3D आउटलाइनर की सहायता से बनाए जा सकते हैं और आप देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक चित्र
ब्रेल लिपि में लिखा गया है। इसकी लेबलिंग हमने ब्रेल लिपि में की है ताकि बच्चा इसे स्वयं से भी पढ़कर समझ सके। ये तीसरा चित्र है जो पौधे के भागों को दिखाता और समझाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जड़ तंत्र, तना, पत्तियां, फल, फूल सभी भाग स्पर्शी तरीके से बनाए गए हैं और विभिन्न सामग्री के माध्यम से इनकी बाउंड्रीज को हमने स्पर्शी बनाया है ताकि एक दृष्टिबाधित बच्चा भी इन्हें छूकर आसानी से समझ सके। आशा करती हूँ कि इस प्रदर्शन विधि के बाद आप एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में आकारिकी भिन्नताओं के आधार पर अंतर आसानी से बता सकेंगे।